नमस्कार साथियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा पर। स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी विषय में गुप्त जी की रचना यशोधरा का पांचवा और छठा अंश शामिल किया गया है। यशोधरा गुप्त जी का एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, एक खंड काव्य है। यशोधरा के बारे में इस काव्य, इस प्रबंध रचना पर हम इससे पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इससे पूर्व बनाए गए वीडियो में हमने यशोधरा से जो पांचवा खंड है उसकी व्याख्या पर चर्चा की थी, तो उसमें यशोधरा से संबंधित जो जानकारी है वो दे दी गई थी। आज की वीडियो में हम उससे आगे वाले खंड यानी छठा खंड, यशोधरा का जो छठा भाग है, छठा छंद, उस पर चर्चा करेंगे। पांचवें और छठे भाग को जो यशोधरा से लिए गए इस बीए के तृतीय वर्ष में के पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। यशोधरा भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी, जिन्हें गौतम बुद्ध छोड़कर चले जाते हैं मानव कल्याण हेतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो यशोधरा पीछे अकेली विरह व्यथित, विरह की पीड़ा से व्याकुल रहती हैं और विरह में उनके द्वारा कहे गए शब्द आदि को इस कविता का, इस काव्य रचना का हिस्सा बनाया गया है। पूर्व कविता सखी भी मुझसे कहकर जाती, जो पूर्व वीडियो में हमने पढ़ी थी, यशोधरा का पांचवा भाग थी। आज के वीडियो में यशोधरा का अगला अंश यानी चौथा भाग है, जिसकी व्याख्या हम करेंगे। छंद नंबर 6 कविता है प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं श्रुति पथ, श्रुति यानी सुनना, यानी कान कर्ण। श्रुति पथ का मतलब है श्रवण मार्ग, सुनने का मार्ग यानी कान, श्रवण इंद्रिय, कर्ण पथ कान, श्रवण सुनना, सुनने का जो मार्ग है उसको श्रुति पथ कहेंगे। श्रुति पथ में आना एक मुहावरा है। श्रुति पथ में आना, इसका अर्थ होता है सुनाई पड़ना, सुनना। इसी तरह वेद विहित मार्ग का मतलब होता है सन्मार्ग, उत्तम मार्ग। हास विलास, हास और विलास,
यानी आनंद क्रीड़ा, निंदा का भाव लिए हुए हंसी को कहते हैं हास विलास। इस कविता में यशोधरा अपने पति के लिए यानी भगवान बुद्ध के लिए हास विलास संबोधन करती हैं, यानी एक पत्नी के लिए अपने पति हास विलास हैं, यशोधरा के लिए बुद्ध हास विलास हैं, आनंद का हेतु हैं, आनंद हैं, और भाग्य भाग्य हैं पदार्थों और मनुष्यों आदि के संबंध में पहले से ही निश्चित और अनिवार्य व्यवस्था का या क्रम, यानी जो पहले से ही निश्चित हो, भाग्य तकदीर किस्मत नसीब या देवी विधान को भाग्य कहते हैं, यानी प्रारब्ध जो निश्चित हैं वो भाग्य हैं। एक शब्द आया है निश्वास, निश्वास यानी एक गहरी सांस, दीर्घ श्वास या एक लंबी सांस को निश्वास बोलते हैं। दीर्घ निश्वास जो हम छोड़ते हैं दुख में या किसी भी प्रकार के से भाव या मनोविकारों में, जो हम गहरी सांस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं निश्वास। तो कविता का अर्थ व्याख्या इस प्रकार से है, प्रियतम तुम श्रुति पथ में आए, तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर कपाट लगाए। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम, ये तुम रसमय मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। बड़ी मार्मिक कविता है, यहाँ यशोधरा स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं अपने पति बुद्ध को, और उस स्मरण में ही ये शब्द निकले हैं यशोधरा के मुख से। तो अपने प्रियतम को संबोधित कर रही है, हे प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। श्रुति पथ से आना यानी सुनाई पड़ना, यानी उनकी आहट उनकी आवाज़ यशोधरा को सुनाई पड़ी, और तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर कपाट लगाए। अधर कपाट, अधर यानी होंठ, कपाट यानी किवाड़, अपने होंठों रूपी कपाट यानी किवाड़ों को लगा लिया हृदय में रख कर, किनको, प्रियतम को। प्रियतम श्रुति पथ से तो आए यानी श्रवण मार्ग से आए, और उनको मैंने अपने हृदय में रखकर अपने अधर कपाट अपने होंठों को अपने होंठों रूपी कपाट को बंद कर लिया, ताकि प्रियतम अंदर हृदय में रहें। पर मेरे हास विलास, हास विलास इन्होंने अपने प्रियतम अपने पति के लिए हास विलास संज्ञा दी। हास विलास हंसी का जो कारण है, जो आनंद के हेतु हैं
जो इनके आनंद हैं, इनके पति बुद्ध, आप मेरे आनंद हैं, मेरे हंसी के कारण हैं, हास्य के कारण हैं, आप मेरे हास विलास हैं, किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, किंतु क्या मेरा भाग्य, मेरी तकदीर, मेरी किस्मत क्या तुम्हें रख पाया अपने पास। यानी तुम श्रुति पथ से मेरे अंदर तो आ गए, लेकिन क्या मेरा भाग्य तुम्हें रख पाया, क्या तुम मेरे हो गए या मेरे पास रह गए। दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए, तुम श्रवण मार्ग से आतो गए लेकिन मेरे दृष्टि मार्ग से यानी आँखों के रास्ते से वापस निकल गए हो, ये तुम रसमय हो, मन भाए हो, मन को भाने वाले हो, यशोधरा के मन को भाने वाले बुद्ध हैं। रसमय बताया गया है बुद्ध को, जो यशोधरा के श्रुति पथ से आते हैं और उनको वो अपने हृदय में बसाकर अर्धर कपाट लगा लेती हैं, मगर फिर भी उनका भाग्य उनको नहीं रख पाता और वे दृष्टि मार्ग से निकल जाते हैं। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए मगर दृष्टि मार्ग से वापस निकल गए। यहाँ बुद्ध द्वारा यशोधरा को छोड़कर जाने का प्रसंग है। बुद्ध यशोधरा को अकेले छोड़कर बिना बताए चले जाते हैं, उसे ही याद करते हुए यशोधरा ऐसा कह रही है कि बुद्ध श्रुति पथ से तो आ गए और उनको इन्होंने अपने हृदय में स्थान दिया, मगर फिर भी वो दृष्टि मार्ग से निकल गए। आगे हैं, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा कह रही है अब और क्या कहें, अब आप कहीं भी रहो, रहो कहीं भी छाए, कहीं भी छाए रहो, कहीं भी रहो, मेरे ये निश्वास, निश्वास गहरी सांस, दीर्घ श्वास जो हम छोड़ते हैं दुख के क्षण में या किसी से भावों के वशीभूत, अगर मेरे ये निश्वास निकलेंगे विरह व्यथा में। यशोधरा अपने विरह में बुद्ध को याद करते हुए जो गहरी निश्वास छोड़ रही है, जो गहरी श्वास छोड़ रही है, उसी के लिए यशोधरा कह रही है कि ये मेरे निश्वास, मेरी ये गहरी सांसें, विरह में ली गई ये सांस व्यर्थ हैं यदि ये निश्वास तुमको खींच न लाए, तुम्हें वापस खींच कर नहीं ला सकती, तब ये निश्वास, ये गहरी सांसें भी व्यर्थ हैं, बेकार है इनका आना या ये सांस लेना भी बेकार है, अगर ये मेरी गहरी सांस तुम्हें खींच नहीं ला सकती। यहाँ बड़ा मार्मिक चित्रण कर दिया है कवि ने। यशोधरा विरह में अपनी श्वास के द्वारा प्रियतम बुद्ध को खींचने की बात कह रही है कि अगर मेरी ये सांस जो विरह में निकल रही है, ये गहरी सांसें भी अगर मेरे प्रियतम को खींच कर नहीं ला सकती, मेरे पास नहीं ला सकती, तो इन सांसों का होना भी व्यर्थ हैं, बेकार हैं। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए मगर
दृष्टि मार्ग से वापस निकल गए, अर्थात बुद्धि ने छोड़ के चले गए, भले मानव कल्याण के लिए गए हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, पर वो इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। इसी बातों को स्मरण करते हुए यशोधरा ये सब बात कह रही है। कविता का पाठ एक बार फिर से करते हैं। प्रियतम, तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए, या अधर कपाट, अधर रूपी कपाट, रूपक अलंकार हैं। मेरे हास विलास, किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए, ये तुम रसमय मन भाए। प्रियतम, तुम श्रुति पथ से आए, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। अंतिम पंक्तियां बड़ी ही मार्मिक हैं, कविता का सारा निचोड़ अंतिम पंक्तियों में है। मुझे आशा है कविता जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम किसी अन्य रचना पर चर्चा करेंगे, और आप सभी इस रचना के शब्दार्थों और इसकी सप्रसंग व्याख्या को लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।